तो राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपके प्रिंसिपल साहब ने बहुत कुछ प्रकाश डाला, मुझे उसमें व्याख्यान में जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनका सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यह हमारा देश भारतवर्ष, यह सोने की चिड़िया कहा जाता था और दूध दही के यहाँ नदी बहती थी। हमारा धर्म सनातन धर्म था। यहाँ पर आपने इतिहास में पढ़ा होगा, पश्चिम देश अफगान से अफगानी यहाँ आए, मुगल शासन कर दिया। उस समय हमारा देश अनेक छोटी छोटी रियासतों में बटा था, अनेक राजा थे, प्रजा अपनी खुशहाल की जिंदगी जी रही थी। अफगानी जब यहाँ आए तो हमारे सनातन धर्म को विध्वंस करने के लिए और धर्म परिवर्तन करने के लिए हम भारतीयों पर दबाव, यहाँ का हमारा सोना चांदी लूट करके विदेश ले गए। बहुत दिनों तक शासन करने के बाद उन बादशाहों का जीवन बदल गए, अयास हो गए, तो अपने अयासी काल में उसी समय इतिहास में भारत के धनाढ्य होने का, इस सनातन धर्म का की विशेषता पढ़ करके इंग्लैंड के लोग इधर अपनी क्रूर दृष्टि फंसाए थे। सबसे पहले इंग्लैंड का वासी कोलंबस नाम का एक मल्लाह भारत भूमि को खोजने के लिए समुद्री मार्ग से अपने बेड़ा माने जहाज को लेकर के चल गया। चलते चलते वह उसका बेड़ा समुद्र में भटक करके भारत नहीं पहुंच सका। उसने उसके मल्लाहों ने देखा कि समुद्र में पक्षी बैठा हुआ है और वो पक्षी जहाँ बैठा था टापू था। भूगोल के विद्यार्थी पढ़े होंगे, जल के भीतर चारों तरफ से जल हो और जो भाग बचा हो जमीन का हो उसको टापू कहा जाता है। तो समुद्र में आकाश मार्ग से पुष्टुर की पक्षियां उस टापू को बैठी थी। ये कोलंबस के नाविक और कोलंबस अपने बेड़ा को लेकर के उधर निकल गए और वहां जाकर के देखा तो वहां उस टापू पर अमेरिका नाम का देश बसा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के बीच में समुद्र का पानी बह रहा था। वह अमेरिका अपनी शिक्षा अपने ज्ञान अपने विश्वास से पूरे विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, जो आज भी आपके सामने खड़ा है। ये कोलंबस के बाद वास्को डिगामा नाम का नाविक भारत खोजने के चला और चलते चलते उसका बेड़ा कलकत्ता के काली तट पर पहुंचा, काली तट नाम का स्थान बनने का, और वहां के रो करके धीरे धीरे समुद्र के किनारे किनारे सूरत में सूरत प्रांत में वो पहुंचा और उस बंदरगाह से वह मल्लाह जो है आकर के हिंदुस्तान के सोने की चिड़िया सुंदर और अब वह इंग्लैंड जाकर के उसने अपने देश के लोगों से कहा कि भारत बड़ा धनी देश है, चलो हम वहाँ व्यापार करेंगे। तो सन 1600 में इंग्लैंड के नाविक रोजगारी बनकर के यहाँ धनिया मसाला तेज पत्ता लौंग इलायची आदि चाय लेकर के आए और यहाँ हमारी भोली भाली जनता को ये मसाला गरम मसाला क्योंकि वो ठंडा इलाका था, वो लोग मसाले का यूज करते थे अपने शरीर में गर्मी आकर के हमारे देश की भोली भाली जनता को मुफ्त में मसाले की सब्जी मीट मांस गिरा करके और दे करके
करके सोना चांदी हाथ में लेकर चले गए। कुछ तो मुगल ले गए थे, सोमनाथ का मंदिर उनके हाथ में था, सोना को मुगलों ने लूट लिया। जो बचा खुचा हमारे घरों में था ये अंग्रेज आकर लूट ले गए। भारत माता की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई थी, यहाँ बड़ी दुर्दशा थी। वो अंग्रेज धीरे 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 यहाँ व्यापार करते करते मुगलों से सत्ता हथियार लिए। लगभग 200 वर्षों तक यहाँ शासन अंग्रेजों ने किया, बहुत ही अत्याचार किया हमको, हम भारत का पुत्र बनाने के लिए। भारत माता कांप रही थी, यहाँ कोई उसका जो है लायक बेटा नहीं था। हमारी भारत माता की धरती ने 2 अक्टूबर सन 1869 गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। और गांधी जी, हम यह कहें कि गांधी जी ईश्वर के अवतार थे, इसमें कोई भ्रांति नहीं। गांधी जी आए, देश की स्थिति देखे, अपनी पढ़ाई लिखाई हिंदुस्तान में करने के बाद ये इंग्लैंड में जाते हैं बैरिस्ट्री पढ़ने। बैरिस्ट्री पढ़ने जब गए, इनकी पढ़ाई का कोर्स पूरा हो गया, तो वहाँ इन्होंने देखा कि हर देश के छात्र आते हैं और उस बैरिस्ट्री कॉलेज में लड़की शिक्षिका, उस बैरिस्ट्री कॉलेज में जो छात्र जाते हैं हर साल अपने देश का झंडा बना के दीवार पर जाते हैं। गांधी जी भी सोच गए कि मुझे, मैं भारत का विद्यार्थी हूँ, मुझे भी झंडा बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे देश का झंडा तो अंग्रेजों का है, हम क्या करें। वही गांधी जी ने संकल्प किया, कल नहीं ही मीटिंग होनी थी, उन्होंने मन ही मन हमारे स्वतंत्र भारत का झंडा तिरंगा बन गया और वहाँ दीवार को बना दिया। गुरुजनों ने पूछा, बोले ये किसका झंडा है? गांधी जी खड़े होकर के बड़े गर्व के साथ कहे, ये स्वाधीन भारत नहीं, कहे कि तो तुम्हारे देश का झंडा नहीं हुआ तो झंडा दूसरा है। गांधी जी ने गर्व से कहा कि नहीं, जब मैं अपना पैर भारत की धरती पर रखूंगा तो वहाँ मेरा एक तिरंगा झंडा होगा, अंग्रेजों का झंडा नहीं होगा। बच्चों, वह तिरंगा झंडा गांधी जी ने अपने बैठक अध्ययन काल में इंग्लैंड में किया, आकर के उस तिरंगे झंडे को यहाँ लाने के लिए बहुत सी कुर्बानी कराया। हमारे देश उस समय, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय थे, मुस्लिम अलग खींच रहे थे, हिंदू अलग खींच रहे थे, सिख अलग थे, ईसाई अलग थे, नाना दुगति थी। गांधी जी ने समझा, सोचा, और गांधी जी की खोपड़ी, उन्होंने देखा कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, सभी धर्मों को एक नहीं करेंगे, तब तक अपने मरे सरकार का मुकाबला नहीं कर सकते। गांधी जी पढ़ने में बड़े अच्छे थे, मेधावी थे। आप लोग झोला लेके चलते हो, एक दिन एक लड़के से विद्यालय में मैंने कोई किताब पाया तो वापस कर दिया, हमारे मैनेजर साहब किताब पास कर दिया, वो ले गया वापस कर लिए करने के लिए। हम लोग वहाँ बैठे थे, हमने कहा भैया किताब, कहा कि ना नहीं, हम ना पढ़ कोर्स पढ़ने से मौका नहीं है। तो हमने वही आपके प्रिंसिपल साहब के सामने कहा कि बेटा, गांधी जी की किस्सा कहा हमने कि गांधी जब झोला लेकर के स्कूल जाते थे तो रास्ते में दूर आपने देखा है, हमारी माँ बहने मसाला वसाला पीस के पीटिया में साफ ही रख देते हैं, तो मसाला का कागज फेंक देते, झाड़ बटोर के उसको कागज फूट गया तो गांधी जी आते थे तो उस कागज को उठाते थे, उसमें क्या लिखा क्या छपा है, और अच्छी चीज को याद करते अपनी डायरी में नोट करते थे, गांधी और गुरु जी को छोड़ देते। ये गांधी जी के पढ़ाई का प्रमाण है। अच्छा, गांधी जी पढ़ लिख करके इंग्लैंड से भारत में आ गए, भारत की दुर्दशा क्या देखा, हमारे बच्चे उन अंग्रेजों के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे। क्या करते थे सर, हम गोरे रंग के हैं, हिंदुस्तानी काले रंग के हैं, तो हमारा बच्चा जाएगा तो मुंह से जो भाप निकलेंगे भारतीयों के, हमारे बच्चे भी काले हो जाएंगे, इतना बर्बरतापूर्ण विचार किसका होगा। और
भूख लगती हमारे लोगों को, भोजन नहीं मिलती थी। जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिस देश में स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक उजाले की गांधी की डबे। यहाँ इतने सामंतवादी बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिनके घरों में दूध जो है कुत्ते को पिलाया जा रहा है और उन्हीं वस्त्र जाले में कुत्ते को पहनाया जा रहा है। हमारे भारत के नौजवान बच्चे दुख मर रहे हैं, हमारे माँ बाप इतनी गरीबी से दबे हुए हैं। तो माता अपने बच्चे को जाले की लाश में ये खतरी हड्डी है ना उसमें ले के घुटने से दबा करके जाड़ा से निजात पाने के लिए अपने राज्य दिला सकते। ये सब चीज़ें गांधी जी के दिमाग में चल रहे थे। गांधी जी ने स्वाधीनता का बिगुल बजाया, स्वाधीनता का बिगुल बजाया, देश के नौजवानों को, देश हिंदू मुसलमानों सिख ईसाई को सभी को उन्होंने चिट्ठियाँ लिखा। मैंने एक जगह गांधी जी की आत्मकथा में पढ़ा था, यह सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। हिंदू लोग लिखते थे कि महाराज और ये मुसलमान भगवान को जो है मस्जिद में बुलाता है, हमसे घृणा करता है, हमको कहता है तो मूर्ति पूजा करो। और मुसलमानों की चिट्ठी गई का, अरे हिंदू तो मूर्ति पाथर की पूजा करता है, हम कैसे मिले। इस तरह से धार्मिक लगा करके गांधी लोग चिट्ठियाँ लिखते थे। गांधी जी ने बुलाया, सबको कहा हिंदू खड़े जाओ, मुसलमान सिख खड़े जाओ, हाथ लो अपने पास, रक्त निकालो, निकाल लिया। कहा देखो इसमें अंदर कोई काला भूरा भूरा है, काला है तो हम इंसान के औलाद हैं, जो हमारा खून लाल है सबका, तो हम सब एक। इस तरह से उन्होंने भारत के धार्मिक उन्माद को खत्म करके संरक्षित करके नौजवानों का आह्वान किया और देश के आज़ादी का बिगुल बजाया, जगह जगह सभा कराया। उसी समय नेता सुभाष चंद्र बोस बंगाल पश्चिम बंगाल में पैदा हुए, तो वो नौजवान थे। गांधी जी कहते थे कि सत्य और हिंसा की पूजा करो, सत्य माने भगवान, सनातन धर्म शिक्षा देता है सत्य माने परमात्मा का नाम है, मरने के बाद हम आपस में लाभ को कहते हैं राम नाम सत्य। तो सत्य माने ईश्वर, अहिंसा बौद्ध धर्म का है हिंसा, जीव पर दया को हिंसा मत, हिंसा माने मारना, अहिंसा और लगा हुआ है, अहिंसा मत मारना अर्थात जीवों पर दया। ये दो शब्द गांधी जी ने हमारे देश की जनता को पढ़ाया और ज्यादा समय तो खुद ज्ञान और उधर सुभाष चंद्र बोस कहे कि गांधी जो है हाथ जोड़ की चिरौटी करके सलाह देना चाहते हैं। वो बौखला गए, उनके साथ वो नौजवान साथी, उन्होंने कहा कि फट है चीन के नाम पत्थर दे देंगे, ये अंग्रेज हमारे आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानियों को मार रहे हैं, हम भी मारेंगे। गांधी जी का भैया शामिल करो, उन सब उसका धन बल जोड़ है, हमारे पास शिक्ष नहीं है, हम मारे जाएंगे, वो इतनी बड़ी पत्ता देश की हो जाएगी, सारा देश नाश हो जाएगा। जैसे देश का नाम लाल लड़क होगा छह महीने से, अच्छा यूक्रेन और यूक्रेन और कौन रूस ये लड़ रहे थे, इतना वहाँ खून खराबा हो गया, क्या मिला लड़ाई से क्या मिला। आप आइए महाभारत की लड़ाई में चलता हूँ, अरे भैया महाभारत की लड़ाई चलता हूँ, पांच गांव देने को दुर्योधन नहीं तैयार है, सूर्य की नौ भर भी नहीं दे दो, और भगवान कृष्ण समझाने गए हैं अंत में। दुर्योधन कहता है बिना युद्ध के इन पांडवों को मैं सूर्य के नौ पांच गांव मांगेगा, पांच गांव मांग रहे हैं, सूर्य की नौ भर के बिंदु लगा अहंकार ले पड़ा दुर्योधन को। महाभारत का युद्ध हुआ, स्वयं भगवान ने युद्ध को कराया और कौरवों का विनाश कर दिया। ये प्रमाण है आपके, यह प्रमाण है आपको पढ़ा और लोगों ने क्या सीखा, अपने सनातन धर्म को सीखिए, क्या हुआ है हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया बेटे, तो उसका समाप्त हो गया रावण लंका। रावण का लंका सुंदरी के पीछे, स्त्री के पीछे, सीता जी को चुरा ले गया, युद्ध हुआ, रावण खानदान से ही मारा गया। सवाल करके दिन आती तारा मंडल दिया, कोई नहीं है
और सत्य के शरण में जुड़ गया और विभीषण लंका का राजा बना। सत्य के शरण में कौन गया? सुग्रीव वाली लंकापुर का राजा सुग्रीव बना। तो सत्य का साथ पकड़ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए कहने को तो सब कहते हैं, मंजी का राम आपको शिक्षा दे। आप लोग सत्य का मार्ग अपनाइए, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता माने क्या है भाई? महल धन बैंक बैलेंस सोना चांदी नहीं, बेटा बेटी नहीं। सफलता का मतलब जब आप हम पैदा हुए माँ के गर्भ में 9 महीना पहले, तो यह जीव आत्मा ये कहती थी कि हे परमात्मा, मैं तुम्हारा अंश का भाग यहाँ आ गया हूँ, बाहर करूँ मैं निकल कर सत्कर्म करूँगा, सत्कर्म करूँगा, सत्य की बात करूँगा, आपका पूजा पाठ धाम में कर। लेकिन यहाँ आकर के हम लोग जो है माई के पेट से शुद्ध निकले, तो हम कहाँ कहाँ रहे, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए? विज्ञान वाले बताएंगे, कुआं पहले कुआं होता था, हैंडपम्प वैंडपम्प नहीं था, कुआं का पानी लोग पीते थे। नजदीक बच्चा पैदा हो जाता था तो वो जानता था कि इसी व्यास के घेरे में संसार है। लेकिन हमारे द्वारा, हमारी माँ बहनों के द्वारा जब वर्दी वगैरह छीनने में और बाहर निकाली गई, तो देख इतना बड़ा संसार कहाँ कहाँ कहते कहते मर गई और तीखा करने का लाभ हर तय होगा। मैंने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का हर तय जब इतना लंबा संसार बच के देखती है तो उसका प्रारंभ हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई आप खूब करो, दुनियादारी को छोड़ दो, कौन क्या, कौन चोरी कर रहा है, कौन दारू पी रहा है, कौन हड़प रहा है, छोड़ करके हमको आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर पता हुए आदर पर चलना है और अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करना है। पहली शिक्षा पैदाइश माँ बाप की होगी, तो पहले शिक्षक हमारे माँ बाप हैं। हम लोग माता पिता को रोज नहीं आपके पास करते, कभी कभी आपके कक्षाओं में जाता हूँ, कहता हूँ कोई दूसरा लड़के हमारे पास मिल जाता था पहले माए बाबू का गुरु को प्रणाम कर। लेकिन आज हमारा सनातन धर्म खत्म हो गया है, माई बाप के केव पर लाठी लेके मारो पूजा, लाठी दे के माई बाबू को मारो पूजा, घर से निकाल दे सुना बेटवा पतो अलगे हो जा, माता पिता नहीं बेटी हंसने की बात नहीं समझने की बात हमारी माता ने अनाथ आश्रम बनारस में वहाँ इलाहाबाद में तमाम किसानों को बुला चले जाते हैं। बेटा पैदा बेटी पैदा बेटा पैदा जिसने ये अपना खून पसीना बहा के अपना पेट पर जा के पुत्र पुत्री पैदा किया, आज भाई में वो अनाथशाला में जाते हैं। अच्छा ठीक हो गया, माता गुरु भैया भाई गुरु, जो गुरु आपको ज्ञान दे रहा जिसने क सिखाया क सिखाया, वो भगवान फुटवा गुरु का पंडित बन गया। सुना शिक्षा जिसने शिक्षा दिया तो उस गुरु को बहुत प्रणाम करा। लेकिन जिस गुरु ने शिक्षा दिया बेटा उनको प्रणाम करो, कोई बेइज्जती नहीं, कोई बेइज्जती नहीं, इज्जत मिलेगी है ना। तो आप पहले माई बाबू के इसके बाद एक गुरु लोग का भाव इनके जरूर प्रणाम करेगा है ना। सुना अब गुरु से स्वाम चलत है, सुन लगा है, लेकिन लगता है तुम मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं कोई मदारी नहीं हूँ। हाँ सुना गुरु का गुरु कुम्हार सिख कुंभ है गड़गड़ जा है, और अंतर हाथ हृदय बाहर का है,